अपराधियों के खात्मे में जुटी यूपी पुलिस अब आमो खास के लिए भी नासूर बनती जा रही है। लखनऊ के विवेक तिवारी की हत्या से पुलिस के प्रति अब भरोसे के साथ खौफ भी पनपने लगा है। बेलगाम पुलिस पर अब शिकंजा कसेगी योगी सरकार। देखिए ये रिपोर्ट। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये स्लोगन समाजवादी पार्टी ने दिया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है और निजाम भी। शायद इसीलिए अब स्लोगन के मायने भी बदलते नजर आ रहे हैं। योगी की पुलिस ने ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन किया कि दो बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया और एक बेगुनाह के साथ उसकी पत्नी के मांग का सिंदूर भी उजड़ गया। इसीलिए जाके गाड़ी देखी, विश्वास नहीं हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है। सामने से गोली गोली लगी है गाड़ी में, मुझे जवाब दीजिए सर, कहाँ से लेके आओ अपने पति को, एक निर्दोष आदमी को। आप लोगों ने उसके बाद अंदर कमरे में इतनी गलत पलट बातें करनी शुरू कर दी सबने, ऐसे पकड़े गए वैसे पकड़े गए, ये हो गया, गाड़ी भगा दी, गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी रोकनी थी कह रहे गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी रोकनी थी तो टायर में गोली मारते ना, उनके यहाँ गोली मारने की क्या जरूरत थी, जवाब दीजिए, बताइए कुछ, यही है आप लोगों की व्यवस्था। कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, क्या बताऊँ अपने बच्चे को, मैं खुद को क्या समझा। यूपी की ये वही पुलिस है जिसके हाथों से कभी हथकड़ी छुड़ाकर अपराधी भाग जाते हैं तो कभी सलाखें तोड़कर कैदी फरार हो जाते हैं और पुलिस आंखें मूंदे रहती है। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर अवैध शराब, जुआ और सट्टे के काले कारोबार पर पुलिस नकेल नहीं कस पाती। पहले भी कई एनकाउंटर सवालों के घेरे में रहे हैं और वहीं लखनऊ की इस हालिया घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया है बल्कि पुलिस के उन जाबाज अफसरों का सिर भी शर्म से झुका दिया है जिन्होंने अपनी बंदूक की नोक से अपराधियों की सांसें थाम दी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक निर्दोष की हत्या हुई है, बल्कि बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस के इस बेहुदा रवैये से आम जन के मन में खौफ बैठ गया है। अब आम आदमी वर्दी वालों को रक्षक समझे या फिर बिना वर्दी वाले बदमाशों का हमशक्ल। लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर के रहने वाले विवेक तिवारी जो रात को ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी रास्ते में वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बेटियां यतीम हो गई हैं। मीडिया की खबरों और विपक्ष के हंगामे से सरकार हरकत में तो आई, लेकिन घटना के तुरंत बाद जो कार्यवाही होनी चाहिए थी उस पर ढिलमुल रवैया अख्तियार करके सरकार ने आम जन के माथे पर चिंता की लकीरें बना दी हैं। ये एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की रात में उनकी पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हत्या कर दी। वो एरिया मैनेजर थे एप्पल में, पढ़े लिखे आदमी थे, रात में जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। मैं तो महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से मांग करूंगा कि हस्तक्षेप करें, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। आज का योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब देगी कि जिस निर्दोष आदमी की हत्या उनकी पुलिस ने की है, उनकी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उस परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपया उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर यही हालात रहे जिस तरह से आज एनकाउंटर के नाम पर निर्दोष लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार में फर्जी हत्याएं की जा रही हैं, तो हम महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से कहेंगे कि सरकार को बर्खास्त करके यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल सरकार हत्यारोपी पर शिकंजा का सही है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार वालों के आंसू पोंछने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और कब तक उन पर अमल कर पाती है। कैमरामैन संजय के साथ ज्योति सिंह, लाइव खबर।